नई वीडियो में आप सभी का वेलकम दोस्तों। तो आज हम जा रहे हैं कि स्प्लिट एसी करने के लिए। स्प्लिट एसी में ये दिक्कत है कि उसमें मेरा दोस्त ना गांव गए हुए, ठीक है, तो वो काम करके आया था, तो मुझे पता चला है कि उसमें ना गैस कम है, ठीक है, तो मैं अपने दोस्त के बदले में मैं जा रहा हूँ उसका एसी देखने के लिए। तो चलो साइड पे देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है आप सभी को दिखाऊंगा। और वीडियो से वीडियो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आप लोग भाई को सपोर्ट करो भाई। तो चलो यहाँ पे देखो मैं कौन सी जगह पे हूँ, इधर पूरा जंगल भरा हुआ है, पूरे जंगल, तो मैं इस जगह पे हूँ। अब चलिए साइड पे चलते हैं, यहाँ से देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम जा रहे हैं लोटस बेलवर्ड, ठीक है, और वहाँ जाकर के हम देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। मेरा फ्रेंड ने बताया कि मैंने सिर्फ गैस डाला है और इसका जो आउटडोर में एक पीसीबी होता है ना, उसको मैंने रिपेयर करवाया था क्योंकि उसका पंखा नहीं चल रहा था। तो ज़्यादा दिन एसी चलेगा भी नहीं क्योंकि अब तो ठंडी आ चुका है दोस्तों, आज ठंड भी लग रहा है, कल तो बारिश हो गया था इधर, तो अब एसी बंद भी हो जाएगा। पर तब भी कस्टमर ने बुलाया है मेरा फ्रेंड के लीड पर, तो मैं जा रहा हूँ दोस्तों साइड पे, चलिए दिखाते हैं आप सभी को। तो देखें लोटस बेलवर्ड है दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे कम से कम 20-25 टावर है इसका, तो उसमें ना मुझे टावर 10 में जाना है। तो चलिए वहाँ पे ना मुझे क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अंदर जाने से पहले। तो दोस्तों हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, यानी कि एंट्री ले लिया है मैंने, अप्रूवल दे दिया कस्टमर ने। अब हम जाएंगे अंदर, बाइक लेने जा रहे हैं, बाहर में आ गए हम, बाइक लेके फिर से अंदर जाते हैं। तो देखिए दोस्तों इस टावर के अंदर जाना है मुझे, अब ये गेट का एंट्री है, तो सॉरी टावर 9 में जाना था मुझे। तो देखिए इधर से हम आ गए दोस्तों, और इधर का मैं बिल्डिंग भी दिखा देता हूँ आप सभी को, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये सामने वाला गेट में मुझे जाना है, दो गेट दिख रहा होगा ब्लैक वाला, तो उसके अंदर मुझे जाना है। और ये देखिए ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी कि अभी बन रहा है, तो चलिए अंदर चलते हैं। तो अंदर आ गया हम दोस्तों, यहाँ पे देखो एसी में ना गैस कम है, एक तो पहला दिख गया आप सभी को, देखो आइस आ रहा है यहाँ पे, तो ये गैस कम है यहाँ पे, और ये तो गैस कम है साथियों। और इसके अलावा यहाँ पे देखो बड़ा खूबसूरत लग रहा है इधर, पूरा बिल्डिंग सब बना हुआ है। तो चलिए इंडोर दिखाते हैं आप सभी को। तो देखो इंडोर के पास मैं आ गया हूँ, ये करियर का नॉन इन्वर्टर स्प्लिट एसी है, और इसको दोस्तों यहाँ पे देखो किस तरह से कस्टमर ने मुझे बताया था कि पानी भी आ रहा है, ठीक है, यानी कि वाटर लीकेज होता है और कूलिंग भी कम कर रहा है। तो इसका जो ड्रेन पाइप है वो ब्लॉकेज है, और कूलिंग कॉइल पे ना आइस आ रहा है देखो यहाँ पे। तो सर्विस का एक तो प्रॉब्लम है, ऊपर से वाटर लीकेज का प्रॉब्लम है, तो दोनों को हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो मैंने यार इसमें ना जेट पम्प ले कर नहीं आया, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो ब्लॉक था पाइप वाला पानी वाला, तो उसको मैंने खोल दिया है। अब दोस्तों इसका सर्विस करना पड़ेगा, बट मैंने सर्विस मशीन लेके नहीं आया है दोस्तों, तो इसको मैं ना साफ़ सफाई कर दूंगा और फिर लगा दूंगा, ठीक है, 10 दिन तो चलना ही है, क्योंकि मेरे दोस्त ने बताया था कि गैस कम होगा, बट यहाँ पे आया हूँ तो सर्विस का दिक्कत है पहली बात, तो दूसरी बात इसमें वाटर लीकेज का प्रॉब्लम था, तीसरी बात गैस कम था, तो गैस तो मैं लेके आया था वो मैंने टॉप अप कर दिया, तो सर्विस वगैरह ये सॉल्व नहीं होगा। लेकिन मैं कस्टमर को समझा दिया हूँ, तो देखो यहाँ पर मैंने गैस बढ़ा दिया है दोस्तों, यहाँ पे 50 से थोड़ा कम है, तो इसमें गैस हम बढ़ा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो कि मैंने लगा रखा है पूरा सिलेंडर वगैरह, और इधर की बिल्डिंग सब काफ़ी ऊंची ऊंची, नीचे तो कोई एक झूलवा पे झूला झील, मतलब हिलवा पे क्या बोलूँ, झूला बोलो हिलवा बोलो क्या बोलूँ यार, इस पर बच्चा ना झूला झूल रहा है देखो यहाँ पे, उसकी मम्मी झूला झूला रही है। तो मैंने कस्टमर को बता दिया है कि अगर वाटर लीकेज का दिक्कत आए तो आप सर्विस के लिए नया बुक कर लेना, क्योंकि ये अर्बन कंपनी से लीड किया था मेरे दोस्त ने, वो अभी गांव में मौजूद है, मेरे पास सर्विस मशीन है नहीं कि मैं सर्विस कर दूं। तो अब चलिए यहाँ से हम जा रहे हैं, क्योंकि मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आइस वगैरह भी हट चुका है और रिटर्न भी अच्छा खासा आ रहा है, लेकिन जो आइस वाला प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं हुआ है दोस्तों, क्योंकि सर्विस के बगैर वो ठीक नहीं होगा, ठीक है। और ये एसी भी गलत तरीके से इंस्टॉलेशन कर रखा है आउटडोर यूनिट को। तो अब हम यहाँ से साथियों जा रहे हैं, क्योंकि हमारा काम हो गया है, मैंने कस्टमर को जो भी समझाना था मैं समझा दिया हूँ। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए, टेक केयर एंड बाय।